तुर्कमानपुर स्थित बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर रविवार को संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा के जिला अध्यक्ष घनश्याम राही ने किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संविधान और भारतीय समस्याओं को दर्शाने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए जो उन्होंने त्याग किया, आज हम मूल रूप से सामाजिक पटल पर उसे दर्शाना चाहते हैं। कार्यक्रम में रमेश पासवान, गजेंद्र राजभर, राम बाबू, सुरेंद्र भारती, हरेंद्र यादव, मोहम्मद वसीम, सुरेश प्रसाद, लीलावती देवी, संजय पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बसपा के जिला अध्यक्ष घनश्याम राही ने कहा, सबसे पहले जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के चरणों में हम नमन करना चाहेंगे, वंदन करना चाहेंगे। ये भारतीय संविधान और भारतीय, ये कहें कि जो ये मूल रूप से जो समस्याएं थी समानता को दर्शाने के लिए बाबा साहब ने जो त्याग किया, समाज को एक नई दिशा देने के लिए जो उन्होंने त्याग किया, उसे आज हम मूल रूप से बहुजन समाज पार्टी के रूप में सामाजिक पटल पर दर्शाना चाहते हैं, उसे सामाजिक स्तर से समानता के दृष्टि से देखना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग जो सभी लोग बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आज हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर गोरखपुर मनाया जा रहा है।